मधेपुरा के ग्वालपाड़ा प्रखंड के झलाड़ी के रहने वाले विलास मंडल पेशे से किसान हैं, लेकिन उन्होंने पारंपरिक खेती नहीं बल्कि सीजनल सब्जी की खेती को चुना, वो भी जरा अलग अंदाज में। मौजूदा वक्त में विलास मंडल लाल बैंगन की खेती कर रहे हैं। लाल बैंगन की खासियत ये है कि ये लगभग 100 से 200 ग्राम के बीच होता है और 10 बैंगन 1 किलो तक हो जाता है। वहीं इस बैंगन का स्वाद भी काफी स्वादिष्ट होता है, जो लोग खाना भी काफी पसंद करते हैं। ऐसे में इसकी डिमांड ज्यादा होती है। क्या नाम आपका? हमारा नाम विलास मंडल। विलास मंडल जी, बैगन की खेती करते हैं आप? सिर्फ बैगन का खेती, गोभी का खेती, करेला का खेती, झींगे का खेती। अच्छा, यानी सब्जी का हर खेती करते हैं। उनका खेती ज्यादा होता है? ज्यादा होता है। कौन सा बैगन लगाते हैं आप लोग? बैगन लगाते हैं राजेंद्र वन। सबसे ज्यादा फली होता है राजेंद्र वन में। क्या है रहे उसका एक एक फल का कितना, मतलब किलोग्राम या कितने सौ ग्राम का होता है? 150 ग्राम 200 ग्राम एक फल? एक फल होता है। अच्छा, रेट का जाता है आप लोगों का? रेट का मुताबिक होता है पैसा। यदि रेट सही मिल गया तो 5 कट्ठा में 1 लाख हो सकता है। 5 कट्ठा में 1 लाख? हाँ, ज्यादा, इससे ज्यादा भी हो सकता है। अच्छा, मन ही होता है। पिछली बार आप कितना कमाए थे बैगन से? वो 7 कट्ठा में बोले ना, 1.5 लाख हुआ। 7 कट्ठा में 1.5 लाख का लमसम? 1.5 लाख लमसम कमाए हैं। और खर्चा कितना किए थे उस पर? खर्चा तो उसमें तो 10-15 हजार तो जरूर करना पड़ेगा। 10 से 15 हजार? माने एक बात बताइए, 1 बीघा बैगन पे कितना खर्च हो जाएगा? 1 बीघा में धरिए कम से कम 40 हजार का लमसम बीघा पकड़ेगा। और मुनाफा कितना निकल जाएगा? अब नफा यदि दाम सही मिलेगा तो उसमें 2 लाख 3 लाख रुपया हो सकता है, हो जाता है। तो बैगन की खेती से बेहतर मुनाफा आप लोग निकाल रहे हैं लगातार? हाँ, निकालते हैं। माल कहाँ बेचते हैं आप लोग? माल यदि यहाँ व्यापारी आया, व्यापारी देते नहीं, मंडी भेज देते हैं। मंडी में कौन कौन सा मंडी जाता है? मंडी जैसे भागलपुर हुआ, खगड़िया हुआ, सहरसा हुआ, सिंहेश्वर भी जाता है। अच्छा, सिंहेश्वर भी जाता है, मधेपुरा सिंहेश्वर। अच्छा, तो कौन कौन सा बैगन, ये कौन सी बैगन है अभी जो अभी खेत में? ये जो है मैंने, हम सबको लिपस्टिंग बैगन कहते हैं। अच्छा, उसका कंपनी का नाम अलग है। अच्छा, लाल बैगन है ये? लाल बैगन है ये, लिपस्टिंग तरह लगता है। मैंने लाल बैगन की खेती अगर किसान 1 बीघा अच्छे से कर ले तो एक सीजन में ये बैगन का मांग बेसी होता है। अच्छा, इसलिए ये ज्यादा लगाता है, खराब भी नहीं होता। रेट क्या जाता है ये बैगन? अभी रेट है 25 रुपया किलो। 25 रुपया? हाँ, किलो व्यापारी लेगा 25। हाँ, वहाँ बेचेगा 40, मैंने 15 रुपया वो मुनाफा लेता है। और कितना बैगन 1 केजी में चढ़ जाता है? 1 केजी में ये बैगन चढ़ेगा कम से कम 10 ठो। 10 ठो? अच्छा, 10 ठो बैगन चढ़ेगा। अच्छा, एक बात बताइए, खेती सब्जी खेती कब से कर रहे हैं आप लोग? सब्जी खेती कम से कम 10 साल से कर रहे हैं। तो इससे बच्चे सबको पढ़ाए लिखाए सब? सब करते हैं, सब इसी में रहता है, कहीं बाहर उहार नहीं जाते हैं। बच्चे लोग क्या करते हैं आपके? अपना घर में रहता है, पढ़ाई करता है, सब इसी खेत से चल रहा है? हाँ, चल रहा है। अच्छा, बाहर उहार नहीं जाते। किस चीज की पढ़ाई करते हैं आपके लड़के? बच्चा में अभी थोड़ा थोड़ा बच्चा है। अच्छा, छोटा क्लास में है। अच्छा, 2-3 ऐसे ही है। मैंने इसी से सब खेती से सब्जी खाना पीना सब इसी से, कपड़ा लता तेल साबुन इसी में चलता है, सब इसी से चलता है। इसी से चूहा खाता है गेहूं का खेती में। अच्छा, नहीं वो लगाते हैं। और ये नहीं खाता है चूहा? ये नहीं, भुट्टा नहीं खाता है। ये सब्जी? सब्जी भी नहीं खाएगा। सब्जी का ही खाएगा, सब्जी खाने का चीज उसका नहीं है। नहीं है? तो लगातार सब्जी की खेती कर रहे हैं हम लोग। ज्यादा करेंगे तो संभाल नहीं पाएंगे। हाँ, थोड़ा थोड़ा करते, 10 कट्ठा 15 कट्ठा इसी में पूरा सब्जी लगाते हैं, 2 रंग 4 रंग। अच्छा, मिर्चाई का लगाते हैं, मिर्चाई देते हैं, बैगन देते हैं, करेला देते हैं, झींगा देते हैं, कद्दू देते हैं, सब चीज का खेती थोड़ा थोड़ा करते हैं तो बढ़िया रहता है। तो मिक्स खेती करके सीजनल कितना कमा लेते हैं आप लोग? सीजनल खर्चा काट के तो कम से कम इतना में 2 लाख तो होबे करेगा। होगा ही? हाँ, जा सकता, मेहनत का ऊपर है, यानी भाव सही मिल गया तो बहुत होगा, तब पैसा ज्यादा होगा। लोकल एजेंट बिहार से बात करते हुए विलास मंडल ने बताया कि वो हर सीजन के हिसाब से अलग अलग खेती करते हैं। धान गेहूं 6 महीने में एक बार निकलती है, जबकि सब्जी की खेती 6 महीने में कई बार बाजार में बिक जाती है। इससे हर हफ्ते में कमाई होती है और हर महीने में वो लाखों रुपए कमाते हैं। लोकल एजेंट के लिए मधेपुरा से धीरज कुमार की रिपोर्ट।